क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यही होगा, क्योंकि बार बार ये शिकायत रही एमबीए सरकार की कि हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, हम विपक्ष की सरकार है, इसके लिए हमको परेशान कर रही है। और यही चीज वो अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से चले जाते हैं, भले वो किसी की गलती से चले गए हो, लेकिन फाइनली महाराष्ट्र इज एट द लॉस। आपको उसको, क्योंकि आपके पास समय कम है, अभी आपके पास सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद आप सीधे चुनाव का सामना करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट्स बाहर जा रहे हैं और सारी चीजें जो नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, कैन यू इमेजिन। देखिए, सरकार में एक कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट आपके आती है तो सारी इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई सहूलियत आपको देनी पड़ती है, कंसेशन देना पड़ता है। इसलिए सारा का सारा ये जो कंसेशन का अप्रूवल होता है, ये इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल होता है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है। आप विचार कीजिए, 18 महीने तक उद्धव जी की सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, नॉट अ सिंगल मीटिंग। अब मुझे बताइए कि अगर उद्योगों के लिए 18 महीने मीटिंग ही नहीं होगी तो उद्योग रहेंगे कि जाएंगे? तो इसलिए किसके कारण गए, इसकी चर्चा करते समय अगर 18 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो किसके कारण गए, ये इसका सीधा जवाब है। देखिए, पुरानी सरकार में क्या था, वो सुबह नाश्ता करने से पहले एक झूठ बोलते थे, लंच के पहले एक झूठ बोलते थे, खाना रात का डिनर से पहले एक झूठ बोलते थे, और सोते सोते एक झूठ बोलते थे, और 3 पार्टियां और उसके 4 लोग झूठ बोलने के लिए उन्होंने नॉमिनेट किए थे। इसलिए रोज केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना, सारी मदद केंद्र सरकार से लेना, मैंने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे महाराष्ट्र को कैसे दिए ये बार बार रखा, रोज मैं रखता था, लेकिन मैं अकेला बोलता था, वो 4 झूठ बोलते थे, तो 4 झूठ के सामने एक सच थोड़ा थोड़ा रुक जाता था। मैं आज भी ये कहता हूं कि केंद्र सरकार की जितनी मदद महाराष्ट्र को मिलती है, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, आप देखिए, अगर हम मुंबई का विचार करें, मुंबई का, तो अकेली मुंबई में हम लोगों ने करीब करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ये पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, ये हमने शुरू किए। तो क्यों शुरू कर पाए, केंद्र सरकार साथ में थी इसलिए हम लोग कर पाए। तो मुझे लगता है कि, और मोदी जी ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र ये ग्रोथ इंजिन है, तो महाराष्ट्र भागेगा तो देश भागेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी देश को स्पीड से भगा रहे हैं, वो अपने इंजन को थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो इंजन को और फ्यूल देते हैं, वो तो इस इंजन को और जोरों से वो चले, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है नरेटिव तैयार करने का जो प्रयास हुआ, इससे ज्यादा थोड़ा समन्वय अगर रखते तो शायद महाराष्ट्र का ज्यादा फायदा होता। नरेटिव फैक्ट्री कितनी एक्टिव हो गई थी कि एक प्रोजेक्ट जो 1 साल पहले हैदराबाद में चालू हो गया था, मतलब जब वो एमबीए की सरकार आई तब महाराष्ट्र में आकर देख कर गए, फिर उन्होंने हैदराबाद जाने का फैसला किया, पूरा सारा उसका डेडलाइन जो है वो सारा एमबीए के गवर्नमेंट में वो शुरू भी हो गया है हैदराबाद में, और एक चैनल ने दिखाना शुरू किया कि ये भी चला गया, फिर दूसरे ने चालू किया, फिर प्रिंट मीडिया ने चालू किया, फिर सबने ये चालू किया। आखिर मुझे वो जो शायद फ्रेंच कंपनी है, उनके जो फ्रेंच कंपनी के मालिक है, उनका ट्वीट दिखाना पड़ा कि जिसमें वो बता रहे 2021 में कि हमारी फैक्ट्री शुरू हो गई है। तो ये नरेटिव बिल्डिंग का काम होता है, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र को का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 2015 से यानी 14 से हम लोग आए, 14 के अंत में आए, 15 से लेकर 19 तक 4 साल महाराष्ट्र ये नंबर 1 था FDI में, और कितना नंबर 1 था, तो हमारे पीछे के गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली और कर्नाटक, ये चारों स्टेट मिलाकर जितना FDI उनके पास था उससे 1.5 गुना अकेले महाराष्ट्र में था। तो इसलिए महाराष्ट्र को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। ये जो लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि ये बिजनेस बाहर गया, वो बाहर गया, ये वो लोग है जिन्होंने देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का, रिफाइनरी के रूप में महाराष्ट्र में आ रहा था, ग्रीन रिफाइनरी, जो आज तक
सिंगल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी हुआ नहीं था, और फॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टमेंट में 60% हिस्सा सरकारी कंपनियों का था। ऐसे इन्वेस्टमेंट को आने नहीं दिया गया, उसका विरोध किया, उसको रोका, और सरकार के जाने के बाद तो उसको खत्म किया। ऐसे लोग अब हमको बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। अगर वो अकेला इन्वेस्टमेंट आता ना, तो दो साल में जितने बाकी सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट होता है, दो साल का उनका इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट में आ रहा था। तो इसलिए इनको अधिकार नहीं है बोलने का।